अगर मेरे सामने कोई सा भी आ गया तो ये आ जाओ डांस पाला भगाओ ना क्या बात आ जाओ साले कुत्ते आते नहीं बुलाने से नहीं आते कुत्ते अब नहीं आएंगे अब उन्होंने मां का दूध भी नहीं पिया है सारा खाना खुराक खत्म हो गया सर जैसे फौज का सबसे पहले यही करते हैं ना लोग बाग खाना बंद कर देते हैं वो खाना पूजा खराब बंद होगी उनकी बस आ जाओ अगर हिम्मत है तो आ जाओ और नहीं तो छुपते ही रहो आंखें दिखाओ आ जाओ अभी आंखें दिखाओ इस वक्त आंखें दिखाओ डांस कर रहा हूँ डांस करते करते मार दो मेरे को मार दो आ जाओ हिम्मत होनी चाहिए तुम्हें जब घर की रौनक बढ़ानी हो ओ क्या बात है जब सजाना है ना रिलैक्स तीनों रिलैक्स आई एम वोट ही आ गया सामने ये रहा हाँ मारो इसको इसने बहुत खून पिया सारे आ जा वो सीढ़ी के बिचारे कुत्ते बिचारे मारो इस कुत्ते बिचारे इसको जिंदा नहीं छोड़ बिचारों बहन के लोड़े कौन भी लिया था डर जिंदगी आराम कर दी डर मारो साले तू डर डर अमीर से इसने इसने इसको पता नहीं है किससे इसने पंगा लिया किससे पंगा लिया तूने मारो इसको इसने बड़ा पंगा लिया था आज बुलाओ इसको और ये ले इसको मारो ये सारा और सीढ़ी है मारो इसको आएगा कहाँ से है ही नहीं ये तो जिंदा ही नहीं है मर चुका है बहुत इसने खून पी लिया गरम खाऊंगा अब गरम खानी है चीजें ये एक और आ गया इसको मर बहुत इसने ये गर्मी वाला विचार है इसको मारो गर्मी वाला हाँ कि गर्म चीजें खाने से कुछ होता है इसको मारो हाँ ये आ गया कर दो इसको मारो इसको मारो इसको बहुत दिन हो गए इसको मारो जोर जोर से जोर से जोर मारो जोर जोर से मारते जाओ ये आ गया मारो इसको मारते जाओ खा जाओ इसको मार जाओ खा जाओ बहुत इसने खून पिया था कर दो इसके टुकड़े टुकड़े हजार टुकड़े कर दो इसके आज एक भी जिंदा नहीं रहेगा एक एक टोटे टोटे कर दे टोटे टोटे दिल टोटे टोटे हो गया फाड़ दो इनके चिथड़े चिथड़े उड़ा दो अंतड़ियां भी निकाल दो इनकी सारी अंतड़ियां निकाल दो इनकी कुत्ते बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती कुत्तों के साथ मत नाचना आ, 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 आ,
मारो इसको साले को, बहुत इसने खून भी लिया था, सबको मर, बहुत खून भी लिया था इसने, मारो खत्म करो इनको, मारो इसको पूरा जोर जोर से, दोनों हाथों से मारो इसको, तो बुलाओ 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 बुलाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई नहीं आ रहा, आ भी नहीं पाएंगे, मारो जोर पूरा जोर से, जोर से मारो, ऐशिया जोर से जोर से मारो, कोनी कोनी और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से, कोनी मारो, खून पी लिया था, खून पी लिया, खून पी लिया था, ये पैनिक अटैक वाले विचार हैं, इनको मारो पैनिक अटैक वाले विचारों को, ये विचार पैनिक अटैक वाला, अरे मर रहा हूँ आज, मरते अभी मर रहा हूँ, अरे विचार साले बुलाओ इसको, मर रहा हूँ इसको, फाड़ो, बहुत दिन हो गए इसको, जिंदगी को आराम करके छोड़ दिया सर, जिंदगी खराब करती इसने, उसने कुत्ता कमीना, मारो इसको कमीने को, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मारो इसको पूजा खून, अब इसको जोर जोर से मारो, जोर जोर से दोनों से, दोनों हाथों से मारो इसको, दोनों से पूरा, बस जोर जोर से इसको मारो, इसको मारो इसको मारो, ये रहा इसको हाथ मारो, इसको दर्द नहीं हो, इसको मारो हाथों से, मारो इसको और मारो और जाने दो, जोर जोर से, जोर जोर से पूरा जोर जोर से मारो इसको, वेरी गुड, आने दो आने दो, और जोर से, और जोर से मर रहा है, मर रहा है, चिल्ला रहा है साला, बहुत चिल्ला रहा है, इसको मारे बगैर छोड़ना नहीं है, चिल्लाने दो इसको, चिल्ला रहा है साला, और मारो इसको, चिल्लाने दो, एक गिन के 25 मारो, 25 और मार दो, 25 मार दो, फिर मर जाएगा ये, फिर इसका अंतिम संस्कार करेंगे, 25 और मारो गिन के, अब लेट जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, स्टॉप कर दे, कोई बोलते जाओ, जो भी काम आपने सीखा है सर, हाँ पता नहीं आपने किन किन का जीवन सुधारा होगा, लेकिन मेरा जीवन आज सुधरा है, तो इस चीज में मेरे को एहसास हुआ है, हाँ कि वास्तव में आपका काम, मतलब कि वो शब्द शब्द नहीं है सर जिनसे आपका शुक्रिया अदा करा किया जा सके, बस आप ठीक हो गए ना, यही मेरा शुक्रिया अदा है, और मैं मतलब क्या बोल सकता हूँ सर आपके लिए, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि वो शब्द है ही नहीं सर जिनके लिए आपका शुक्रिया अदा किया जा सके, क्योंकि कुछ चीजें संसार में ऐसी होती है जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, और ना ही उनका मतलब शब्दों में बयान किया जा सकता उनका थैंक यू, बस आपकी उनकी शुक्रिया बयान नहीं किया जा सकता सर, वो लाजवाब चीजों में आपका वर्क है, बस आपकी खुशी वो शुक्रिया अदा है,
हकीकत में सर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता आपके काम के बारे में, बस बस रियल में तो यही है। बस मनीष कोई नहीं, उनकी तरफ अंधेरा ही है चलने का, वो उनकी तरफ बोलते रहो जो मन में आते जाए बोलते जाओ बस, आंखें बंद कर। सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे को ये शब्द बहुत छोटा लग रहा है वैसे इनके सामने की, मैं इनका सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ वास्तव में, नहीं तो किसी का जीवन अगर आज मेरा जीवन बचा है ना तो उसके ये समझ लो एक बहुत मतलब इनका इतना योगदान है उसमें, इन्होंने मतलब जैसे दो तराजू होते हैं ना तो एक में मौत होती है तो एक में जिंदगी होती है, तो मौत के पलड़े से उठा के इन्होंने मेरा जीवन और जीवन के पलड़े में डाल दिया। तो वैसे शख्स के बारे में मैं मुझे शब्द ही नहीं मिल सकते जो मैं मतलब इनके बारे में बोल सकूं कि इन्होंने ऐसा काम किया है। कहते हैं ना कि गूंगा गुड़ खाने के बाद में उसका टेस्ट बता नहीं सकता है, तो ऐसा ही कुछ मेरा भी मतलब मेरी भी फीलिंग है सर के लिए। और इनके जैसा मैंने मतलब मैच्योर इंसान मैंने वास्तव में इस जीवन में देखा ही नहीं हकीकत में। मैं मेरे गुरु को सबसे बड़ा दर्जा देता हूँ, प्यार तो खैर मैं अपनी माँ से करता हूँ लेकिन मैं दर्जा अपने गुरु का सबसे ऊंचा रखता हूँ, लेकिन मतलब उनका दर्जा वास्तव में मेरे लिए सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं उनके अलावा कुछ बात करूँ तो सर का दर्जा वास्तव में कुछ कम नहीं है। अगर मतलब इंसानों में अगर बात करूँ ना तो मेरी नज़र में अगर वास्तव में किसी कोई अगर या तो मतलब मित्रता समझ लो चाहे मास्टर समझ लो चाहे सर समझ लो, क्योंकि मैं गुरु तो मेरा गुरु एक ही बना चुका हूँ इसलिए मैं बोल नहीं सकता उस चीज को, क्योंकि मैं उस मतलब उस चीज को मैं सर उसके लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सही बात है। इस संसार में कोई ऐसा काम ही नहीं बना जो मैं नहीं कर सकता बिल्कुल मेरे गुरु के लिए, तो उस चीज का मैं मतलब पहले मैं गुरु बना चुका हूँ। लेकिन राजेंद्र सर के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर वास्तव में मेरे जीवन में मतलब क्योंकि जो रिश्ते हमको मतलब भगवान ने दिए हैं खून के रिश्ते या रिश्तेदारी के रिश्ते उन सब में ऊंचा मतलब एक मित्रता का एक प्रेम का रिश्ता होता है जो मैं अपने गुरु को मानता हूँ, लेकिन वास्तव में उनके बाद अगर मैं मानता हूँ तो मैं सर को ही मानता हूँ जिन्होंने मेरा इस चीज में, तो वैसे रिलेशन में तो और भी बहुत सारे लोग आ गए जिनसे अपन प्यार भी करते हैं और उनसे मित्रता भी करते हैं, लेकिन जो मतलब एक पराये रिश्ते से जब अपन किसी के साथ में जाते हैं ना एक तो रिश्तेदारी अपन को मिलती है बिल्कुल भगवान की तरफ से या घर वालों की तरफ से और कुछ खून के रिश्ते बना के भेजता है भगवान, वो तो एक अलग ही चीज है। लेकिन जो जिन रिश्तों को हम चुनते हैं उन रिश्तों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, मेरा मतलब गुरु का ऊंचा स्थान तो इतना ऊंचा है कि मैं बता ही नहीं सकता कितना ऊंचा है, लेकिन अगर इंसानों में सभी को मिलाऊं ना मैं तो वास्तव में राजेंद्र सर का उनके उनसे थोड़ा सा नीचे है लेकिन इनका काफी मतलब वो है। और इनके बारे में तो मैं यही बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे इंसान को मतलब मैं ऐसों को तो क्या मैं किसी के साथ भी ना तो कोई चीटिंग कर सकता हूँ, इनकी तो बात बहुत ही दूर है और ना कोई मतलब क्या बताऊँ मैं, बस आपकी खुशी ने सब कुछ बयान कर दिया, बोलना कहाँ बचता है फिर, आपकी खुशी आपके चेहरे के हाव भाव सब कुछ बयान तो कर रहे हैं, जिस खुशी को आप महसूस कर रहे हो वो आपकी दौलत है। इसीलिए सर मैं आपसे सर सर कह रहा था इतने दिन से, अगर मैं किसी लाइन में नहीं होता ना तो जो आपका मतलब जिस जो चीज है ना आपकी पद है जो मैं उसी का ही रखता आपका, लेकिन मैं उस चीज उस मतलब कहते हैं ना कि दिल तो किसी को अपन दे चुके हैं, हाँ वो तो अपन मैं दे चुका हूँ। बहुत बढ़िया, दिल एक ही बार दिया जाता है और आपने अच्छे इंसान को ही दिल दिया है, मुझे भी खुशी है कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत मतलब ऊंचे हैं सर वो वास्तव में बिल्कुल।
आप जो चीजें मेरे अंदर देख पा रहे हो ना, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है सर। जब आप उनके और भी शिष्यों से मिलो ना, किसी से भी, तो उनमें वही मेरे से भी बहुत बेटर क्वालिटी में मिलेगी ये चीज आपको, मेरे से भी, क्योंकि उनका ज्ञान, उनका मतलब आपने अभी उनके बारे में कुछ पता ही नहीं अभी आपको, अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने मतलब उनके बारे में। बहुत बहुत महान चीज है सर वो। और कहते हैं ना कि किसी इंसान के या तो गुणों से प्यार होता है या फिर कुछ ना कुछ उसमें खासियत होती है, तब प्यार की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन शुरुआत होने के बाद जब प्यार हो जाता है ना तो फिर सारी चीज हट जाती है सर, फिर उस टाइम फिर प्यार ही रह जाता है बस। फिर ना तो उसके गुण दिखाई देते हैं ना वो गुण, बस सिर्फ प्यार ही बचता है। ये प्यार की डेफिनेशन है शायद। फिर उसके महानता या कुछ भी हो, फिर वो दिखाई नहीं देगी, वो प्यार ही रह जाता है सर उसकी। मतलब बात चले तो एकदम से ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मतलब किसी कोई बच्चा खो जाए ना कहीं, और उससे कोई कह दे एक बार कि यार तेरी माँ वहां खड़ी है, हाँ। तो उसको मतलब ऐसे याद आ जाती है उसको। हालांकि मैं तो इतने दिन से डिप्रेशन वगैरह में था, तो मेरे अंदर जो फीलिंग पहले थी ना वो अभी गायब है, लेकिन मैं जब दोबारा इस चीज में लग जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक मेरा प्रेम वो सब कुछ वही हो जाएगा, कि उनके नाम सुनने से हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। बिल्कुल, अब आपका डिप्रेशन समस्या जा चुकी है। अभी होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा रिकवर करूंगा ना अभी, मतलब थोड़ा सा जो वीकनेस आ गई। हाँ, वो तो समय के अनुसार हो जाएगा। अब आपको सही दिशा मिल चुकी है। हाँ सर, सही रास्ता मिल चुका है, अब आप आगे बढ़ते रहो बस। ग्रेट आदमी हो आप वास्तव में, रियलिटी में आप भी ग्रेट हो। आपने इतना कुछ ग्रहण किया, वो भी तो महानता की निशानी है। आपको सर अलोन होना पड़ेगा। अरे पक्का आऊंगा, वादा। और मेरे पास ही रहना पड़ेगा सर। हाँ, आपके पास ही रात रुकूंगा। हाँ, एक रात। हाँ बस मैं देखूंगा ना, क्योंकि एक रात का ही मेरा स्टे ज्यादातर बनेगा। एक रात का स्टे बनेगा रुकने का। अच्छा अच्छा, पूरा दिन तो आप घूमेंगे अलवर, और रात को आपके पास रुकने दे, दो चार दिन, दो दिन। बात, वो मौके पर हो सकता है दो दिन भी रुक जाऊं। ठीक है सर। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था सर, आपका मोस्ट वेलकम। हाँ जरूर, मैं मेरी तरफ से तो पूरा मतलब आपका ख्याल रखूंगा। अरे अरे, बाकी वैसे मैं बोल रहा था वो चीज तो हाँ। कि भाई मतलब टाइम पता नहीं कैसा जाए इंसान। हाँ, अरे वो आपने कह दिया, वो सबसे बड़ी चीज है ना। हाँ, समय की बात एक अलग है। हाँ, बाकी अपना दिल से तैयार है, बस बस वेलकम, दिल ही देखा जाता है। हाँ हाँ, और कुछ नहीं होता है, इंसान अपनी अपनी तो अपन पूरी कोशिश रखेंगे, बस बस आपका ठीक से ख्याल रखा जाए। अरे अरे, बाकी वक्त की बात है, बस वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं, बस ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो आपके ऐसा मतलब अभी तक तो हुआ नहीं जी, क्या अपने साथ में कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बस हम निश्चिंत रहो। अब एकदम ओके है, बिल्कुल हल्का एकदम। बस अब जिंदगी को मजे से जी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना,
IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।